11 बजे के बाद जब नहीं मिलेगा खाना तो पर्यटक क्यों चाहेंगे आना? देहरादून पुलिस का तालिबानी आदेश, क्या ऐसे ही बनेगा पर्यटन प्रदेश? ये सवाल इसलिए, दरअसल देहरादून पुलिस कप्तान ने गुरुवार को आदेश दिए हैं कि होटल और ढाबों पर रात 10:30 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा और 11 बजे चीता पुलिस जबरन होटल को बंद कराने के लिए पहुंच जाएगी। यानी अगर आप लेट हो गए तो आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इधर स्मार्ट शहरों की लिस्ट में शामिल है देहरादून का नाम और उधर ओवर स्मार्ट हो गई है देहरादून की पुलिस। फैसलों के फसाने में आया है पुलिस का फरमान। रात 10:30 बजे के बाद होटल और ढाबों पर नहीं परोसा जाएगा खाना और 11 बजे चल जाएगा पुलिस का डंडा। हालांकि खुद मुखिया हरीश रावत को रास नहीं आया ये नियम। चलो मैं एडवाइस करूंगा, 10 जब मुख्यमंत्री 12 बजे सोता है तो 10 बजे होटल बंद कैसे हो जाएंगे? नए नवेले पुलिस कप्तान सदानंद दाते के नित नए फैसले भारी पड़ रहे हैं जनता और पर्यटकों पर। चंद रोज पहले ट्रैफिक नियमों का हुआ था विरोध, अब इस फरमान से भी खफा है लोग। टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस देहरादून किसी एंगल से भी नहीं कहलाएगी। और आप दिल्ली से जो शताब्दी गाड़ी भी आती है वो 11 बजे यहाँ पहुँचती है, उसके बाद अगर बंदे ने डिनर करना है तो वो कहाँ जाएगा? और 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो फिर टूरिस्ट प्लेस कैसे कह सकते हैं हम कि टूरिस्ट प्लेस है हमारा देहरादून? हम तो बाहर से आते हैं, बाहर से अब 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, हम खाना खाने कहाँ जाएंगे फिर? आपका बहरहाल पर्यटन की तस्वीर संवार कर सरकार तकदीर बनाना चाहती है उत्तराखंड की, लेकिन जब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्यों आएंगे पर्यटक? सवाल ये है, क्या ऐसे ही पर्यटन प्रदेश बनेगा उत्तराखंड? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल ये कि क्या ऐसे ही पर्यटन प्रदेश बनेगा उत्तराखंड? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता लालचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेस्टोरेंट के मालिक टीएस दुआ हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी लालचंद शर्मा जी, ये कानून व्यवस्था का इस तालिबानी आदेश से क्या लिंक है? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना तो पुलिस का ही काम है। कानून व्यवस्था बनाना बिल्कुल शासन प्रशासन का काम है, और लेकिन जो अभी फरमान हमारे एसएसपी देहरादून ने दिया है जी, अब हमने उससे बात करी है कि क्योंकि देहरादून हमारा पर्यटन प्रदेश है और इस पर कुछ संशोधन होने चाहिए और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है जी। अजय शर्मा जी, अस्पताल में गड़बड़ी हो तो अस्पताल बंद करा देंगे क्या? स्टेशन पर छेड़छाड़ हो तो स्टेशन बंद कर देंगे? जहां जहां कानून व्यवस्था खराब है, इस बात सुन लो भाई, जहां जहां कानून व्यवस्था खराब होगी बाबा ताला डाल देंगे क्या? आपने कहीं देखा किसी बड़े शहर में ऐसी व्यवस्था लागू है क्या? आप पर्यटन से रेवेन्यू भी कमाना चाहते हैं और 10 बजे ताला भी पड़वा देना चाहते हैं शहर में, किस ढंग का कप्तान लेके आए हैं आप? इनको समझ है या नहीं है शर्मा जी? जी जी, मैं ये आपसे बताना चाह रहा था कि ये कप्तान साहब ने जो नियम अपने बनाए हैं, हम खुद इसका विरोध कर रहे हैं इस बात का कि क्योंकि उन्होंने बिना जानकारी के और बिना राय मुशारी के ये जो है नियम लागू करे हैं, क्योंकि इस तरह का नियम कहीं नहीं है कि 10:30 बजे जो है होटल ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। हमारा ये कहना है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए। उमेश अग्रवाल जी, ऐसे में मसला केवल कारोबार का ही नहीं, मसला यह भी है कि जो आदमी, जैसे बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी अभी देहरादून के किसी साथी ने कि 11 बजे शताब्दी आती है देहरादून, अब आदमी अगर खाना खाना चाहे तो कहां जाएगा? कप्तान साहब के घर। एक दूसरा, बाहर से जो आदमी आएगा वो क्या छवि लेके जाएगा? और तीसरा, जो होटल इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से पुलिस कप्तान ने आते ही मुख्यमंत्री के ऊपर अपना प्रभाव जताने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि ये कप्तान बड़े अच्छे कप्तान आए हैं, मैं समझता हूं। आज मैंने जब अखबार में अजय सिंह एसपी सिटी का बयान पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर एक पर्यटन प्रदेश होने के कारण, देहरादून राजधानी होने के कारण और रेलों की आवाजाही 11 बजे तक चलते रहने के कारण जिस प्रकार का तालिबानी आदेश
पुलिस द्वारा दिया जा रहा है उसका हम सभी व्यापारी लोग पूरा विरोध करते हैं। हमें लगता है कि पुलिस मात्र अगर वास्तव में अगर इनको इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता, अगर इनसे शराबी नहीं संभलते, अगर इनसे न्यूसेंस नहीं संभलती तो ये कर्फ्यू लगा दें 10 बजे के बाद पूरे देहरादून में 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू घोषित कर दें, सबको घर से निकलना बंद कर दें। अगर ये लोग इतने कमजोर हो गए हैं और इनकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि ये लोग व्यवस्था को कायम नहीं रख सकते और इनकी मजबूरी हो गई कि 10:30 बजे इन्हें होटल बंद कराकर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, अभी कल भी हम कप्तान से मिले थे, कप्तान ने हमें रिलीफ दिया है पल्टन बाजार के मामले में, लेकिन जब से नए कप्तान कोई भी आते हैं लगातार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सारे बदल डालेंगे। इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको बताएंगे। चुप साहब, अरे दुआ साहब, दिल्ली में ऐसे तमाम 5 तारा होटल्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सामान्य स्तर के तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां आप पूरी रात एनी डे एनी टाइम खाना खा सकते हैं। सर आप दिल्ली में देख लीजिए, मैं खुद खाता रहा हूं, अखबार में नौकरी करता था, 2:30 बजे छूटता था नोएडा से, आईपीओ पर जाके खाना खाता था। सर कप्तान साहब को ये बोला जाए कि पैसे रात को 12 बजे का लास्ट शो क्यों लागू किया गया? पैसिफिक मॉल में भी सबसे पहले 12 बजे का शो बंद कराओ फिर जी। पैसिफिक मॉल में लास्ट शो 12 बजे चलता है, 2:30 बजे छूटता है, तो सबसे पहले उनको बंद कराओ ना। रेस्टोरेंटों को बंद कराने की कहां से पहले बात आ गई 10:30 बजे जी। लालचंद शर्मा जी, क्या ये जी। पुलिस कप्तान सदानंद दाते अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? 11 बजे होटल को बंद कराने तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इस बीच कोई हुड़दंग मचाता है 11 बजे के बाद तो उसका मुकाबला पुलिस नहीं कर सकती और उसके लिए तालिबानी आदेश दे दिया। नहीं देखिए, दाते जी ने किन परिस्थितियों में ये वाला आदेश जारी करा और कैसे लिया है, इनसे बात हमने करी है और हमने ये कहा है कि देखिए देहरादून नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड राज्य हमारा पर्यटन प्रदेश है और इस तरह के जो नियम लागू करने से पहले हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे जो आम जनमानस है, हमारे जो और जो उत्तराखंड के हमारे जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, हमारे जो एनजीओ बने हुए हैं, उन लोगों से वार्ता करनी चाहिए। वार्ता करने के बाद इन बातों पे गौर करना चाहिए था। अब ये नियम जो उन्होंने बनाया है ये नियम बिल्कुल अपने आप में गलत है। मैं इसे बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि देहरादून के अंदर चाहे रेस्टोरेंट्स की बात हो या आम जनमानस की जो कानून व्यवस्था की बात है उसके लिए पुलिस को और कदम उठाने चाहिए। लालचंद जी, एक सवाल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सामान्यतः मैंने जितना सरकारों को और प्रशासनिक अधिकारियों को काम करते देखा है, मेरी समझ ये बनी कि ये चमोली होता, पिथौरागढ़ होता, घनसाली होता, मुंशियारी होता तो अधिकारी चुपचाप अपना भी फैसला ले लेता है, ठीक है ना, रिमोट एरियाज में। लेकिन जहां कैपिटल होती है वहां मेरी समझ कहती है ऐसा कोई फैसला अगर लेना होता है तो एक बार वो पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसको हम लोग सरकार बोलते हैं, राजनीतिक नेतृत्व से मशवरा जरूर करता है। यही नियम है, यही परंपरा है, यही रवायत रही है अभी तक। ये एसएसपी शायद उस रवायत को ध्यान नहीं रखते ना शर्मा जी। नहीं, मेरा ये मानना है गुरु साहब कि कप्तान साहब ने जो ये फैसला लिया है ये इनकी जो आपस की जो टीम है ये उसका फैसला है। ये जो है बिल्कुल हमने इस बात को कहा है कि आप अपने फैसले को बदलिए, क्योंकि पार्किंग के नाम पे, होटलों के उत्पीड़न के नाम के ऊपर अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो ये सरकार की छवि खराब करने का काम जो इस तरह के लोग करेंगे तो हम उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की बात करेंगे। क्योंकि ये जो फैसला है ये फैसला अपने आप में गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये दुआ साहब मुझे समझाइए। सामान्यतः आदमी नौकरी से अपना जॉब खत्म करके या अपनी दुकान वुकान का काम निपटा के जब घर जाता है, तो फ्रेश होके फिर ड्रेस चेंज करके फिर परिवार से कहता है चलो भाई बाहर आज बाहर खाना खा ले। बिल्कुल बिल्कुल, कहते 9 से 9:30 बज जाता है, ठीक, बिल्कुल, 9:30 बजे के बाद बंदा सर माइंड बनाता है, मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार में चाबी लगाता है भाई चलो, ठीक, बिल्कुल। और अगर 10 बजे कप्तान साहब दुकानें बंद करा देंगे तो शाम को तो आपको तंदूर जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिंदुआ साहब
सर ताले ही लगा देते हैं ना सर, कल से ही ताले लगा देते हैं ये। आप लोगों ने जाके इनको अपना वो आपत्ति दर्ज कराई? सर आपत्ति तो अभी दर्ज नहीं कराई है, अभी सब कल बैठ के पूरी एसोसिएशन सर मीटिंग रखी हुई है, उसके बाद सर फिर जाते हैं कप्तान साहब के पास बैठ के बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए दुआ साहब, देहरादून में जो पूरे आपके पास जैसे मान लीजिए को औसत मुझे समझा, अगर मान लीजिए आपके होटल में जो भी आपका होटल होगा उसमें दिन भर में जो पूरी क्लाइंटेज आती है, मान लीजिए दिन भर में 100 ग्राहक आए, तो वो इस टाइम पीरियड में उसमें से कितने परसेंट होते हैं उनके हिस्सेदारी? 70% तो सर रात को 9 बजे के बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। जी उमेश जी, तब तो भैया बंद हो गया फिर पूरे बिजनेस, आदमी भी भूखा और कारोबारी भी गया। बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये तालिबानी आदेश एसएसपी का होता है लेकिन उनके नीचे दर्जे के जो अधिकारी उत्पीड़न करते हैं ग्राहकों का और व्यापारियों का, वो उससे भी बहुत बद से बदतर होता है, वो पैसा भी ऐंठते हैं, उनकी माहवारी भी बढ़ जाती है और वो लगातार उग्राही के लिए तत्पर होते हैं। और एक छोटा सा जो पिकेट वाला पुलिस वाला भी है वो जितनी बदतमीजी ग्राहकों के साथ करता है, होटल व्यवसायियों के साथ करता है, अगर आप देख लें तो उससे बढ़िया हमें जहर खाने के लिए जहर दे दें इससे बढ़िया और हम जहर खा लें वो ज्यादा बेहतर होगा। इतना अपमान व्यापारी को सहना पड़ता है और इतना अपना अपमान ग्राहक को सहना पड़ता है। यदि आप जो आईएसबीटी है, आईएसबीटी के बाद 11:30 बजे के बाद आपको बंद और मक्खन भी नहीं मिलेगा, आपको कुल मिलाकर एक कोई चीज आप खाना चाहेंगे नहीं मिलेगी। ये किस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है ये सरकार? और मुझे लगता है जिस प्रकार सरकार पूरी तरह व्यापार विरोधी हो गई है, लगातार व्यवसायिक कर बढ़ा रही है सरकार, लगातार तो सरकार के है उमेश अग्रवाल, एक मिनट का है, एक मिनट भाई जनता में काम कर रहा है, एक मिनट उमेश अग्रवाल, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक बात कह लूं, ऊर्जा प्रदेश बनना था नहीं बन पाया, पर्यटन प्रदेश बनना था नहीं बन पाया, वो तो जो हुआ सो हुआ सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं अब उपवास प्रदेश बनाना हो? सर हालात वही लग रहे हैं कि भाई उपवास करो। उमेश अग्रवाल, क्या उपवास प्रदेश बनाना है क्या? हाँ नए कप्तान आए हैं तो नए कप्तान कुछ तो कराएंगे इस जनता से। अब जिस तरीके से पल्टन बाजार के व्यापारियों का जीना दूभर हुआ, कल कप्तान से हम लोग मिले और कप्तान से हमने अपना विरोध रखा तो उन्होंने हमें रिलीफ दिया है। देखिए हम इस बारे में भी कहेंगे, अब मुझे लगता है कि कप्तान को हमारे यहाँ के नीचे के अधिकारी मात्र उग्राही के लिए उनको गलत भ्रमित कर रहे हैं। उमेश जी, इस कप्तान की इतनी हैसियत है कि वो अपनी मर्जी से फैसला ले लेते हैं, सरकार को पता तक नहीं चलता? देखिए मैडम मुझे जो पहले अधिकारी रहे हैं उन अधिकारियों में चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा और साकेत बोगना जी घंटा घर पर स्वयं आए, उन्होंने समस्याओं का समाधान कराया। लगातार इस प्रकार के तालिबानी आदेश पिछले जो कप्तान रहे हैं उन्होंने भी दिए हैं और उन तालिबानी आदेश में मुख्यमंत्री स्तर तक उनकी दखल होकर तब मामले निपटे हैं जब जनता पूरी तरह सड़कों पर आई, व्यापारी पूरी तरह सड़कों पर आया। और आज मुझे लगता है जिस प्रकार से कप्तान का शुरुआत है और जिस प्रकार से वो लगातार व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें त्योहार का सीजन है। और मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं पुलिस विभाग इसी प्रकार का मात्र तुष्टिकरण के लिए कार्यवाही करता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लालचंद जी, अभी कुछ समय पहले मैं देहरादून आया था थोड़े से समय के लिए, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। आपकी इस शासन के एक बड़े अधिकारी सचिव स्तर के, वो मुझसे बता रहे थे कि अग्निहोत्री जी आज से 30 साल पहले यानी 35 साल पहले का कुछ दृश्य बता रहे थे, कह रहे थे तब भी देहरादून 8:30 बजे के बाद जगता नहीं तो पूरा शहर सन्नाटे में डूब जाता था। बोले आप देखिए कितना अच्छा लगता है, चहल पहल लगता है कि अब ये बड़ा शहर हो गया। वो जो उसकी एक ड्यूटी थी देहरादून की, कोई शहर जो बड़ा होगा वो जागृत शहर होगा। आप लोग तो खुद घूमे होंगे बहुत लोग, सब लोग, मुंबई ही क्यों बड़ा है, हिंदुस्तान के आर्थिक राजधानी क्यों है? क्योंकि मुंबई राउंड द क्लॉक चलती है, जागृत रहती है राउंड द क्लॉक, ठीक है ना? ठीक है,
ऐसे बेंगलुरु ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, कोई शहर ले लीजिए जो बड़े शहर है, जो बड़े बने। 9 बजे ताला लगाने के बाद कोई बड़ा बना शहर? लालचंद जी देखिए, जहां तक आज से 20 साल पहले की बात है, जब उत्तराखंड प्रदेश नहीं बना था, उससे पहले देहरादून की जो स्थिति थी वो दूसरी थी। और आज राज्य बनने के बाद देहरादून के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ पे चहल पहल बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो अब ये दाते जी ने जो नियम बनाया है, ये नियम किस दबाव में बनाया है, अपने विभाग के किन लोगों की वजह से इस नियम को लागू किया है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। इसको लेके कल व्यापारी भी मिले हैं, हम पॉलिटिकल लोग भी, इन लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने माना है कि कुछ त्रुटियां जरूर हुई हैं, हम उसे दूर करेंगे। लेकिन जहां तक सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ और स्वच्छ प्रशासन देने की है, और पर्यटन प्रदेश को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो व्यापारी कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए, पुलिस को चाहिए कि कोई अतिक्रमण कर रहा है अतिक्रमण हटाए, किसी ढाबे के ऊपर रात को अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही है वो बंद करे। लेकिन जो नियम बनाया है वो नियम अपने आप में उसे संशोधन करना पड़ेगा। और जो जैसे आबकारी का नियम है कि उन्होंने, आबकारी ने 11 बजे तक की छूट दे रखी है कि आप बार के अंदर 11 बजे तक आप शराब को परोस सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कप्तान साहब का ऑर्डर 10:30 बजे का होगा तो आबकारी विभाग के जो नियम है और कप्तान के नियम में बिल्कुल फर्क है। भी खाने तो हमारा कहना यह है कि कप्तान जी, लेकिन एक समस्या और है लालचंद जी, एक समस्या और है। मैं तो नहीं पीता लेकिन पीने वालों को जानता हूं, है ना, पहले पिया जाता है फिर खाया जाता है, दुआ साहब यही ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीजे फिर रुक जाना पड़ेगा। जब 11 बजे तक आदमी पिएगा उसके बाद खाना खाएगा कप्तान साहब के घर? मेरा भी फिर तो पुलिस वाले लाठी लेके आ जाएगा, लेके आ जाएगा पुलिस वाला। मेरा भी यही कहना है कि आबकारी विभाग ने जब 11 बजे तक की छूट दे रखी है तो कप्तान साहब 10:30 बजे कैसे बंद करा देंगे? तो मेरा भी कहना यही। अच्छा एक बात और सुनो भाई, दुआ साहब। हां जी सर, एक प्रैक्टिकल बात मेरे दिमाग में आ गई अचानक। 10:30 बजे कपड़े की दुकान बंद करना हो तो भी आप मान लीजिए कि 10 बजे से बढ़ाना पड़ेगा दुकान। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। ऑटोमोबाइल की दुकान भी बंद करनी हो शोरूम तो भी आधा घंटा लगता है। ठीक, और खाने की जो प्रतिष्ठान है उनमें समय ज्यादा लगता है, कम से घंटा 1 घंटा। यानी 10:30 का मतलब ये दुआ साहब जो है ये 9:30 बजे से अपना वो पतीला अतीला धुलवाने रखे। ठीक भैया लालचंद जी, जब तक भूख लगेगी तब तक तो इनका होटल बंद होने को आ जाएगा, ये कहेंगे भाई साहब आपका लाना आज तो बंद हो गया। दुआ साहब, मैंने इसी यही बात कही है कि दाते जी ने जो नियम बनाया है वो नियम गलत है, उसे उन्हें संशोधित करना पड़ेगा। हम लोगों ने बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सब लोगों से राय मुशायरी करने के बाद मैं इसमें देखूंगा कितनी और क्या क्या कहां कहां जो है सहूलियत दी जा सकती है। दुआ साहब, तो आप लोग 9:30 बजे से दुकान बढ़ाने के लिए तैयार हैं? नहीं सर, हम तो बिल्कुल ही बंद करने को तैयार हैं सर। फिर परमानेंट बंद करवा देंगे, परमानेंट बंद करवा देंगे। सरकार आएगी, पुलिस संभल नहीं रहा है, सरकार से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, इनकी सरकार आएगी। सुनिश्चित करना होगा कि कप्तान जो इधर उधर के फैसले ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगे। अगर उमेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं कि जो भी कप्तान आता है वो आए बाय से कोई भी फैसले लेने लगता है जिससे प्रदेश की जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर्यटन पर भी खासा असर पड़ता है, तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी राजधानी का कप्तान हो वो फैसले ऐसे ले जिससे इन चीजों पर असर ना पड़े या फिर सरकार को बैकफुट पे ना आना पड़े। नहीं बिल्कुल, देखिए सब जनप्रतिनिधि को बुलाने के बाद ही कप्तान को फैसला लेना चाहिए था, उन्होंने गलत तरीके से जो है फैसला लिया है बिना जनप्रतिनिधियों को राय जाने बिना या उनकी बातचीत सुने बिना। देखिए अमिताभ जी, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है सिस्टम की। अगर पुलिस विभाग इस तरीके से गलत डिसीजन लेगा और व्यवहारिकता से परे होकर डिसीजन लेगा, हमें बहुत सारी चीजें व्यवहारिकता में भी लानी पड़ती हैं। आज लगातार जब से नए कप्तान आए हैं लोगों का जीना दूभर हो रहा है, बुरी तरीके से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, ऐसा वातावरण बन गया है कि जैसे देहरादून में सिर्फ अपराधी और अपराधी और अपराधी ही रहते हैं। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से कप्तान साहब को, पुलिस विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम व्यापारी वर्ग के ऊपर ऐसा डंडा ना चलाएं जिससे हम लोग खत्म हो जाएं। पहले ही नगर निगम हमारी जान लेने को तैयार है और नए नए टैक्स हमारे ऊपर लग रहे हैं, ग्रीन टैक्स लग रहा है,
हमारे पर टैक्स सरकार लगा रही है तो ये कम से कम व्यापारियों को यहाँ पर पर्यटन प्रदेश और नया स्मार्ट सिटी घोषित होने पर ये सजा ना दें। हम लोग स्मार्ट सिटी के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए जिसमें हमारे आने वाले व्यक्ति को रात को भूखा सोना पड़े और लगातार हमारे परिवारों को और जो लोग गाड़ी से चल रहे हैं उनको 10-10 जगह चेकिंग हो, उनका अपमान हो, पुलिस वाले उनसे बदतमीजी करें, उनसे गलत व्यवहार करें, ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था को सुचारू करने पर इतनी चेकिंग करें जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा चेकिंग है, जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न है, जरूरत से ज्यादा माहौल खराब है। ठीक है, अमिताभ जी से बात करेंगे। देखिए लालचंद जी, आपने जो बात कही वो भी दुरुस्त है और जो बात उमेश अग्रवाल जी करे वो भी दुरुस्त है। दोनों के बीच में संतुलन बनाना ही ब्यूरोक्रेसी का काम है। सुरक्षा से कंप्रोमाइज भी नहीं हो, लेकिन उसी के समानांतर उतना ही जरूरी है कि हैसल फ्री यानी बाधा रहित ट्रैफिक भी चलता रहे। ऐसे दरोगा को ओढ़े की बिछाएं जो बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, बोले सब गाड़ी रोक दो, मैं एक एक गाड़ी चेक करूंगा, बिल्कुल यही स्टूल ला लो, आधा घंटे में एक गाड़ी चेक करके पास करूंगा, तो हाहाकार मच जाएगा ना। सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसे अब नहीं। लालचंद जी समय हो गया आपका, ठीक है ना, तो फिर वो दरोगा मूर्ख है, जाहिर है उसको समझ नहीं। बेहतर आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यूएस प्रेसिडेंट का जब वो काफिला निकलता है वॉशिंगटन में, तो वहां कोई भी ओपन आर्म वेपन वाला सिक्योरिटी सिस्टम उनके साथ नहीं ट्रेवल करता। कैन यू इमेजिन? और मोटरसाइकिलों पर सिक्योरिटी पर्सनल उनको एस्कॉर्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन? हमारे यहां तो पार्षद भी इसमें हक तलफी मानेगा, विधायक तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। सबसे अच्छी सिक्योरिटी वो जो आम आदमी को ज्यादा न्यूनतम परेशानी में डाले हुए सुनिश्चित की जाए। उसके लिए आप टेक्निकली अपग्रेड होइए, उसके लिए आप बुद्धि के स्तर पर सक्षम बनिए, उसके लिए आप प्रशासनिक स्तर पर दक्ष बनिए। भोले ढंग से सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। 9 बजे तालाबंदी वाला स्मार्ट शहर बनाएंगे, 9 बजे तालाबंदी वाला स्मार्ट शहर बनाएंगे क्या इसको? तो कुल क्यों आएगा देहरादून? ठीक बात है, फिर आपको राजस्व भी चाहिए, नाम भी चाहिए, पर्यटन प्रदेश का ठप्पा भी चाहिए, फतवा भी दाम वो भी चाहिए, टैग भी चाहिए, तो नहीं मिलेगा मित्र। आप अगर व्यापार के विरुद्ध और आम जनता को असुविधा देने वाला सिस्टम लाएंगे तो प्रदेश की इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी और जनता भी आपके खिलाफ हो जाएगी। लालचंद जी, इसमें दोनों पहलू है। एक तो आदमी भूखा सोएगा तो स्वाभाविक है आपको ही स्मरण करेगा, जब भूखा सोएगा भाई आप ही को स्मरण करेगा ना, आपका नुकसान करेगा, और दुआ साहब भी आपको स्मरण करेंगे जब इनका धंधा बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा राजधानी में। सरकार तो नौकरी नहीं दे सकती लोगों को ना, सरकारी नौकरियों की तो सीमा है। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो लोग अपना उद्यम चला रहे हैं, 10-20-50 लोगों को जीविकोपार्जन भी करा रहे होंगे, एक एक होटल में 10-15 लोग इन्वॉल्व है ना, 20 लोग, उनकी कमर तोड़ देंगे आप सुरक्षा के नाम पर, तब तो ठीक नहीं ना। कल को कोई एसपी आएगा वो कहेगा हर आदमी को मैं अपने दस्तखत से एक पास इशू करूंगा देहरादून में, रोज उसको थाने पे जाके उससे मोहर लगवानी पड़ेगी। ऐसे तुगलकी फरमान का समय बीत गया, ये 2015 है भाई, दुनिया कितनी आगे चली गई, हम रेट्रोग्रेड उसमें जा रहे हैं, विपरीत बकरी हो रहे हैं। मार्गी होने का अवसर है ये, बकरी होने का नहीं। जैसे ग्रहों में होता है ना ज्योतिष में मार्गी और बकरी, ये व्यवस्था उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी, वहां के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगी, पर्यटन को नुकसान पहुंचाएगी। लोग परहेज करेंगे, कहेंगे दकियानूसी राजधानी है, और उत्तराखंड केवल शहर नहीं दोस्त, उत्तराखंड तो राजधानी है, आपका शोकेस है सरकार का, है ना। जहां सरकार बैठे वो जगह है, वहां तो ऐसा वातावरण रखिए जो लगे कि हां एक उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा शहर है, आदमी जाए तो उसको लगे कि हां भाई ठीक है, मुस्कुराइए आप देहरादून में हैं, ऐसा
फील गुड आना चाहिए ना। और अगर ऐसे दरोगा सिपाही हर जगह डंडा चलाएंगे तब तो ठीक नहीं ना। आप शराबियों को नहीं रोक पाए इसलिए बार बंद कर दे, मैं इस थ्योरी के कभी पक्ष में नहीं रहता। नहीं, आप कानून व्यवस्था नहीं सुधार पाए इसलिए सिनेमा घर बंद कर दीजिए, यह भी गलत बात है। नहीं तो अगर स्कूल में कानून व्यवस्था की समस्या होगी तो आप स्कूल भी बंद कर देंगे क्या? नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की है, उसको करे, लेकिन व्यापार और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन यही होगा। आप सरकार तक के निवेदन पहुंचाइए लालचंद जी, यह फैसला वापस होना चाहिए। यह फैसला प्रदेश के हित में नहीं, व्यवसाय के हित में नहीं, व्यापार के हित में नहीं, आम आदमी के हित में नहीं, और जो पर्यटन करने आते हैं उनके भी हित में नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो इस फैसले से देहरादून को मुक्ति दिलाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका, शर्मा जी आपका, दुआ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।